السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: سبح اسم ربك العالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. मोहतरम सामईन, आज मैं माँ के जिस्म में पाए जाने वाले प्रोलैक्टेंट ग्लैंड यानी लैक्टिक ग्लैंड यानी दूध पैदा करने वाले गुदूद के उन्वान पर खिताब करने वाला हूँ। माँ के सीने में नौजाइदा बच्चे की फीडिंग के लिए, उनके तग़ज़िया के लिए यानी उनको ग़िज़ा पहुँचाने के पेश नज़र अल्लाह ने उसके सीने में हुदूद पैदा किए हैं, उन्हें कहते हैं प्रोलैक्टेंट ग्लैंड। ये जिस्म मादर में नौजाइदा बच्चे के तग़ज़िया के लिए, उनको ग़िज़ा पहुँचाने के लिए, दूध पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं हुदूद, प्रोलैक्टेंट ग्लैंड। लेकिन अफसोस कि हमारी माएँ बहनें अपने हुस्न व जमाल और अपनी खूबसूरती और जिस्मानी फिटनेस की बका के लिए बच्चों के पैदा होने के बाद, चंद महीनों बाद, उनका दूध छुड़ा दिया करती हैं ताकि उनका उनकी जिस्मानी फिटनेस, उनका ज़ाहरी हुस्न व जमाल, उनकी खूबसूरती और उनकी जिस्मानी फिटनेस वो मुतासिर न होने पाए, और बच्चों का दूध छुड़ाने के नतीजे में बच्चे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं और बाहर का दूध पीने की वजह से, बेबी पाउडर, बेबी मिल्क वगैरह पीने से, या आर्टिफिशियल जो पाउडर हुआ करते हैं उनके पीने से, उनके इस्तेमाल से उनका जिस्म कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, दुनिया भर की बीमारियां उन पर यलगार करती हैं, जिस्म का इम्यून सिस्टम मुतासिर होता है जो इंसान को मुख्तलिफ अमराज के हमलों से महफूज रखता है, वो भी मुतासिर होता है। यहाँ तक कि बच्चे जुनूनी पैदा होते हैं, उनमें जुनून यानी पागलपन तक पाया गया है। यहाँ तक कि अपाहिज भी पैदा होते हैं, बच्चे अपाहिज हो जाते हैं और ज़िंदगी के मैदान में जंग करना उनके लिए एक मसला बन जाता है। लेकिन हमारी माएँ बहनें औरतें जो हैं अपने हुस्न की बका के लिए, अपने जिस्म की ज़ाहरी फिटनेस के लिए, अपनी खूबसूरती और ग्लैमर की बका के लिए अपने बच्चों का दूध वक्त से बहुत पहले जो हैं, जबकि 2 साल तक जो है रज़ात होती है, दूध पीने की मुद्दत 2 साल है, लेकिन 1-8 साल में या उससे कम या ज़्यादा मुद्दत में वो अपना दूध बच्चों का छुड़ा दिया करती हैं। और दुनिया की मुख्तलिफ कंपनियों ने ये दावा किया कि माँ के दूध में आयरन मौजूद नहीं होता है, फौलाद मौजूद नहीं होता है, या फला फला प्रोटीन की कमी होती है, और इस बहाने की बुनियाद पर इस बात को मुश्तहर किया, और कुछ डॉक्टरों ने और कुछ कंपनियों ने भी अपने कारोबार की चमक दमक के लिए, माल कमाने के पेश नज़र WHO की परमिशन के बग़ैर कुछ बेबी फूड, कुछ बेबी पाउडर, कुछ बेबी मिल्क ऐसे पैदा कर दिए या उनको बनाना शुरू कर दिया कि ये जो हैं बच्चे के तग़ज़िये के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए बहुत मुफीद पाउडर्स हैं, बहुत मुफीद बेबी मिल्क हैं, बेबी पाउडर हैं वगैरह वगैरह। कुछ डॉक्टरों ने भी इसको सपोर्ट किया, लेकिन जब WHO को मालूम पड़ा कि कुछ डॉक्टर्स और कुछ कंपनियां जो हैं अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के नुक्ते नज़र से इस बात को मुश्तहर कर रहे हैं
कि माँ के दूध में आयरन की कमी होती है, फौलाद की कमी होती है और फला फला प्रोटीन की कमी होती है या ग्लूकोज की कमी होती है, इसको हमने पूरा किया है। ये एक बदतरीन ख्याल था। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के निज़ाम तकदीर और तस्विया और तखलीक के मुनाफी था ये अकीदा या ये अमल या ये मानना। लिहाजा WHO को ऐलान करना पड़ा कि जिन कंपनियों ने और जिन डॉक्टरों ने और जिन लोगों ने इस अमर को मुस्तहर किया है कि माँ के दूध में ये कमी होती है, वो कमी होती है, उसमें आयरन नहीं होता है, और ये कंपनियाँ जो हैं उन कमियों को पूरा करके बच्चों के तगज़िये के लिए अच्छा इंतज़ाम करने वाली हैं, ये गलत है, ये ख्याल बातिल है। इस बात का ऐलान WHO को करना पड़ा। सामईन इस बात को जहन नशीन कर लें कि कोई भी गिज़ा और कोई भी दूध और कोई भी पाउडर माँ के दूध का सब्स्टिट्यूट या बदल नहीं बन सकता है, इसलिए कि माँ के सीने में अल्लाह ताला ने प्रोलैक्टिन ग्लैंड पैदा किए हैं, लैक्टिक ग्लैंड पैदा किए हैं, वो दूध पैदा करने वाले, वो गुदूद पैदा किए हैं। अल्लाह ताला जो है खालिक़े माँ है, अल्लाह ताला ही खालिक़े नौज़ाइदा है, यानी उस नौ मौलूद बच्चे का खालिक है, और वही खालिक़े दूध है, वही माँ के सीने का खालिक़े ग़िज़ा भी है। वो खूब जानता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद नौज़ाइदा बच्चे और नौ मौलूद बच्चे को कौन सी ग़िज़ा मतलूब है, रिक्वायर्ड है, वो खूब जानता है, क्योंकि उसने ही बच्चे को पैदा किया है। लिहाजा माँ के सीने में वो वही ग़िज़ा पैदा करेगा, वही दूध पैदा करेगा जो बच्चे के जिस्मानी तमाम तकाज़ों की तकमील करने वाला होगा। ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो खालिक़े कायनात हो, जो खालिक़े इंसानियत हो, जो खालिक़े नौज़ाइदा हो, जो खालिक़े नौ मौलूद हो, बच्चा तो पैदा करवा दे लेकिन माँ के सीने में वो दूध पैदा करने पर कादिर ना हो जो बच्चे का तग़ज़िया बेतरीक़े आसन अच्छे तौर पर कर सके। इंसान के बस की बात नहीं कि वो नौज़ाइदा बच्चे के जिस्म के इर्तिका के लिए उन तमाम तकाज़ों की तकमील कर सके जो मतलूब हैं, मकसूद हैं और महमूद हैं। दुनिया के तमाम साइंटिस्टों ने आखिर में इस बात को तस्लीम कर लिया कि कोई भी ग़िज़ा, कोई भी बेबी पाउडर और कोई भी बेबी मिल्क और कोई भी बेबी फूड माँ के दूध का सब्स्टिट्यूट या बदल नहीं बन सकता है। तमाम कंपनियां आखिर में फेल हो गईं। और जानते हैं ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि कोई भी ग़िज़ा और कोई भी पाउडर और कोई भी मिल्क माँ के दूध का बदल नहीं बन सकता, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह तो मैं अभी बयान कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला ही खालिक़े कायनात है, वही खालिक़े माँ है, खालिक़े उम्महात है, माओं का खालिक भी वही है और नौज़ाइदा बच्चे का मालिक भी वही है और दूध का पैदा करने वाला भी वही है, माँ के सीने में बच्चे की ग़िज़ाई तकमील करने वाला भी अल्लाह ताला है, उसकी तख्लीक में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला सूरह आला के अंदर इरशाद फरमाता है, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फहदा, यानी ए नबी तू उस रब की हमद बयान कर जो सबसे आला है, जिसने तख्लीक किया कायनात को और तमाम अशिया को तख्लीक किया, पैदा किया, फिर उसको ठीक ठाक किया, उसके बाद में उन तमाम खवास को मुकद्दर किया और तमाम अंदाज़ों को सही और सालिम किया, और उसके बाद कायनात को हुक्म दिया फहदा और कि वो चल पड़ो अपने रास्ते पर। जिन बातों को अल्लाह ने इंसानी जिस्म में मुकद्दर किया है उन पर तुम चल पड़ो, और हिदायत दी फहदा। लिहाजा अल्लाह ने
नौजाइदा बच्चे को पैदा करने के बाद जिसमें मादर में सीने मादर में माँ के सीने में प्रोलैक्टिन ग्लैंड के जरिए दूध पैदा किया, उसने तखलीक किया और तखलीक करने के बाद में ठीक ठाक किया और तमाम खवास को मुकद्दर किया और तमाम कायनात की चीज़ों को हिदायत दे दी कि चल पड़ो। ये चार मराहिल हैं, मराहिले अरबा, जिनसे कायनात की तमाम अशिया तमाम चीज़ें मरज़े वजूद में आईं। पहले तखलीक है, फिर तस्विया है, यानी पहले पैदा करना है, फिर ठीक ठाक करना है, फिर निज़ाम तकदीर है, यानी अल्लाह ने तमाम अशिया के अंदाजे तय कर दिए, और उसके बाद निज़ाम हिदायत है, फहदा, और उसने पैदा करने के बाद में, लिहाजा तखलीक, तस्विया, तकदीर और हिदायत, ये चार मराहिल हैं, मराहिल अरबा, जो कायनात की अशिया में अल्लाह ने वदियत कर दिए हैं। इन चार मराहिल से गुजरने के बाद में इसीलिए कायनात की किसी भी चीज़ में और किसी भी शय में कोई कमी नहीं है, लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं कि माँ के दूध में आयरन की कमी हो, फौलाद की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, स्टार्च की कमी हो, ग्लूकोज की कमी हो और पानी की कमी हो, विटामिन्स की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो, बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कायनात की हर शय को तखलीक यानी पैदा करना, फिर तस्विया फसव्वा ठीक ठाक किया, वल्लज़ी कद्दरा फिर उसने तमाम अशिया के अंदाजे तय कर दिए, फहदा और उन मादों को उन चीज़ों को उन तखलीक करदा चीज़ों को हिदायत के ज़रिए कहा चल पड़ो, और तमाम कायनात की चीज़ें उसी राह पर चल पड़ी जिस राह पर अल्लाह ने उनमें खवास को मुकद्दर किया था। तो कोई भी ग़िज़ा माँ के दूध का मुकाबला नहीं कर सकती है, लिहाजा ये ख्याल बातिल है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसमें मादर में नौजाइदा बच्चे नौ मौलूद बच्चे के पैदा करने के बाद में कैसा निज़ाम कार फरमा है, कैसे कैसे करिश्मे अल्लाह ताला माँ के जिस्म में पैदा करता है। जिस वक्त माँ के शिकम में बच्चा जो है करार पा जाता है तो अल्लाह ताला हुक्म देता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस वो ग्लैंड है, वो ग्रंथी है जो पिट्यूटरी को हुक्म देती है कि नौजाइदा बच्चे को दूध चाहिए, लिहाजा वो ग्लैंड और वो ग्रंथी जो है वो गुदूद माँ के सीने में दूध के चश्मे को पैदा कर देता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, नौ मौलूद के पैदा होते ही फौरन अल्लाह ताला हुक्म देता है, ब्रेन हुक्म देता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस हुक्म देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन ग्लैंड को हुक्म देती है, और प्रोलैक्टिन ग्लैंड जो है लैक्टिक ग्लैंड को हुक्म देती है, और माँ के सीने में नौ मौलूद और नौ जाइदा बच्चे के तग़ज़िया के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसके भरण पोषण के लिए अल्लाह ताला दूध के चश्मे को जाहिर कर देता है। और बच्चा जैसे ही माँ के सीने में दूध में मुंह लगाता है तो वो ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं और दूध के चश्मे सीने मादर में मौजूदन हो जाते हैं, और बच्चे का तग़ज़िया होता है, बच्चे का न्यूट्रिशन होता है, बच्चे के दूध का या बच्चे की ग़िज़ा का भरण पोषण होता है। माँ के जिस्म से बच्चे के बाहर आने के बाद में ये निज़ाम तग़ज़िया है, ये निज़ाम न्यूट्रिशन है, ये निज़ाम पोषण है। लेकिन एक और करिश्मा होता है, वो करिश्मा ये है कि जब पहली बार माँ के शिकम में बच्चे दाने के अंदर में जब बच्चे का हमल जो है करार पा जाता है, नर और मादा मेल एंड फीमेल गैमीट के मिलाप से जब एम्ब्रियो बन जाता है, तो एम्ब्रियो के बनते ही
थैलेमस हुक्म देता है पिट्यूटरी को, पहले हुक्म देता है ब्रेन दिमाग हुक्म देता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस हुक्म देता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी हुक्म देता है प्रोलैक्टिन ग्लैंड को, और प्रोलैक्टिन ग्लैंड हुक्म देती है लैक्टिक ग्लैंड को, और सीने मादर में, माँ के सीने में दूध का चश्मा फूट पड़ता है। लेकिन जैसे ही हमल करार पाता है, जैसे ही हमल करार पाता है तो फौरन हाइपोथैलेमस हुक्म देता है पिट्यूटरी को कि प्रोलैक्टिन ग्लैंड को मना कर दिया जाए कि वो दूध निकालना का अमल जो है वो जारी न रखे, दूध के इखराज का अमल जो है मौकूफ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इसलिए कि माँ के शिकम में बच्चा जो है करार पा गया है, हमल जो है ठहर गया है, हमल मुस्तकर हो गया है, अपने मुस्तकर में कायम हो चुका है, उसका इस्तकरार हो चुका है। अब माँ के खून के जरिए से बच्चे की का तग़ज़िया होगा, बच्चे का न्यूट्रिशन होगा, अब प्रोलैक्टिन ग्लैंड के जरिए दूध पैदा करने की हाजत बाकी नहीं रही। मैं ये कहता हूँ कि किस तरीके से एक बेशऊर और एक बेदमाग हाइपोथैलेमस को ये खबर होती है। हाइपोथैलेमस में ब्रेन नहीं, उसमें सेंस नहीं, वो कैसे जान गया इस बात को कि माँ के शिकम में, शिकम में मादर में बच्चा नव मौलूद जो है, जो पैदा होने वाला बच्चा है, उसका हमल जो है करार पा चुका है। लेकिन जैसे ही माँ के पेट में बच्चा ठहर जाता है तो फौरन उसको दूध की तलब नहीं होती है, प्रोलैक्टिन ग्लैंड के जरिए दूध की हाजत नहीं होती है, क्योंकि अब हमल ठहरने के बाद माँ के खून के जरिए से बच्चे का तग़ज़िया होगा। लिहाजा हाइपोथैलेमस हुक्म देता है पिट्यूटरी को, अब पिट्यूटरी हुक्म देती है प्रोलैक्टिन ग्लैंड को, और वो हुक्म देती है लैक्टिक ग्लैंड को कि दूध निकालना बंद करो, अभी हमल ठहर चुका है और माँ के खून के जरिए बच्चे का तग़ज़िया होगा, बच्चे का भरण पोषण होगा, बच्चे का न्यूट्रिशन होगा। एक बेशऊर, एक बेदमाग, बेजमीर मादा जो है जिसमें शऊर नहीं, जिसमें विजदान नहीं, जिसमें एहसास नहीं, वो कैसे इन बातों को जान जाता है। न हाइपोथैलेमस माँ के सीने के पास गया, और जिस्म के तमाम खुलियात के पास हाइपोथैलेमस या ब्रेन या पिट्यूटरी ग्लैंड या लैक्टिक ग्लैंड या प्रोलैक्टिन ग्लैंड, ये कभी उन मकामात पर नहीं गए और न वो मकामात यहाँ पर आए, लेकिन हर एक शय और हर जिस्मानी खुलिया ह्यूमन सेल जो है इस बात को जानती है कि उसे इतना काम अंजाम देना है, शिकायत दर्ज करना है हाइपोथैलेमस के पास, ब्रेन के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तमाम खुलियात अपने उन कमियों के एहसास के बाद फौरन हुक्म सादिर करते हैं, और हाइपोथैलेमस को वो हुक्म मिल जाता है, वो मैसेजेस मिल जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ब्रेन को वो मैसेजेस मिल जाते हैं, और वो हार्मोन खारिज करते हैं और माँ के सीने में दूध पैदा करते हैं। तो ये मादे किस तरीके से जानते हैं, ये निज़ाम बतला रहा है कि एक खालिके कायनात है, एक खालिके माँ है, एक खालिके दूध है, एक खालिके नवजाइदा है, एक खालिके कायनात है, जिसने इंसानी के अंदर में इन तमाम निज़ाम हाय मुतफर्रका को पैदा कर दिया है। अल्लाह ताला ने कसूर है आला में फरमाया कि ए नबी तू अल्लाह की हम्द बयान कर जिसने पैदा किया, अल्लज़ी खलक फसव्वा, पैदा करने के बाद में निज़ाम को ठीक ठाक किया, अल्लज़ी कद्दरा, जिसने निज़ाम तकदीर और अंदाज़ा बैलेंस है निज़ाम पैदा किया, फहदा, फिर निज़ाम हिदायत के ज़रिए से कायनात की हर शय को चलाया। ये कुरान अजीम की सूरतुल आला की एक ऐसी आफाकी और कायनाती आयत है जो तख्लीकी मराहिल को या तख्लीकी मराहिल अरबा को, उन चार मराहिल का जिक्र करती है जिससे कायनात की हर शय वजूद में आती है और कमाल तक पहुंचती है। लिहाजा हम उन तमाम माओं और बहनों,
हम उन मादा प्रस्तों को उन मुनकिरीन ज़ाते इलाही के को दावत पेश करते हैं कि वो जिसमें इंसानी के अंदर में अल्लाह की मारिफत के दलाइल पर गौर करें, तदब्बुर करें, तफक्कुर करें। अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर में जिसमें इंसानी के अंदर में बेशुमार आयात बयनात और कायनाती और आफाकी दलाइल पैदा फरमा दिए हैं, हमें तदब्बुर करना चाहिए। हमारे ईमान पैदा करने के लिए वही काफ़ी हैं। लेकिन अफसोस कि मादा परस्त मुलहिद और नास्तिक अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं। यह और बात है कि जदीद दौर में अब मादियत का खात्मा हो चुका है, साइंटिस्टों ने ज़ाते इलाही को मानना शुरू कर दिया है। अब वो दौर नहीं रहा मादा परस्ती का जो 150 साल पहले जब साइंस अपने मराहिल तय कर रही थी, अपने तरक्याती मनाजिल व मराहिल को तय कर रही थी। उस ज़माने में मुलाहिदा थे, फलासफा थे, मुनकिरीन ज़ाते इलाही थे। लेकिन आज की कायनात में, आज की दुनिया में साइंटिस्टों ने कायनात के अंदर में जिसमें इंसानी के अंदर में और आफाक में और स्पेस में अल्लाह की ज़ात के, अल्लाह के वजूद के इतने दलाइल पेश कर दिए हैं कि अब मादा परस्ती में इतनी हिम्मत नहीं कि वो रूहानियत के मद्द मुकाबिल क़याम कर सके, अल्लाह के वजूद के अकीदे के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ कर सके, अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं। आखिर में मैं उन तमाम माओं और बहनों से गुजारिश करता हूँ जो अपने ग्लैमर, अपनी खूबसूरती और जिस्मानी फिटनेस की बका के लिए, उसको बाकी रखने के लिए बच्चे के पैदा होने के बाद, नौ मौलूद और नौ जायदा बच्चे के पैदा होने के बाद जो है उनके दूध को छुड़ा दिया करती हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे कमज़ोर होते हैं, ज़िंदगी के मैदान में अमल करने के अहल नहीं होते हैं, उनमें जिस्मानी कमज़ोरी होती है, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, यानी बीमारियों से लड़ने वाला निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। बच्चों की भूख नहीं मिटती है बेबी पाउडर से, बेबी मिल्क से, वो कमज़ोर रहते हैं, उनमें वो अपाहिज हो जाते हैं, अपाहिज पैदा होते हैं या बाद में हो जाते हैं, उनमें जुनून पैदा हो जाता है, वो पागल हो जाते हैं बहुत से बच्चे। लिहाजा हमारी माएँ और बहनें अल्लाह के पैदा करदा इस दूध को जो है बंद न करें, बल्कि जो मुद्दत रज़ा 2 साल बच्चों की है उन्हें दूध पिलाएं, जो मुद्दत शरीयत ने तय की है उनको दूध पिलाएं, और वक्त से पहले अपने जिस्मानी ग्लैमर को बाकी रखने के लिए बच्चों का दूध बंद न करें। हम तमाम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।